पिछले 46 दिन से राजस्थान में हमारा आंदोलन जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे दिन भी आंदोलन जारी है, मेरा अनशन जारी है, वहीं रात को बिना बिस्तर हमने रात गुजारी और कुछ साथियों की हमारी तबियत खराब हो चुकी है। कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमने धरना प्रदर्शन किया, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ बदसलूकी, धक्का मुक्की की और बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से 5 सदस्यों को मिलवाया जाएगा, वहीं प्रियंका गांधी जी से मिलवाया जाएगा, लेकिन अब वार्ता तक नहीं कर रहे। ऐसे में युवा बेरोजगार आक्रोशित है। कल 11 बजे हम वापस लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पे बैठेंगे, नहीं हटेंगे वहां से। यहां से अब हमारी लाशें जाएंगी, हमने प्रण ले लिया, शपथ ले लिए, यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, हमारी सुनी नहीं जाती है, तो हम यहां से जिंदा नहीं जाएंगे। कल सुबह 11 बजे लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर हम सभी लोग बिना खाए बिना बिस्तर के वहां रुकेंगे, लड़ेंगे, चाहे हमें जान से मार दे, हम पीछे बैठेंगे। अभी भी सरकार के पास समय है, प्रियंका गांधी जी के पास समय है। अब युवाओं के नाम पर लगातार कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, वही कांग्रेसी सरकार राजस्थान में आप लगातार आवाज उठा रहे, तो आपकी सरकार वहां है, हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा? युवा दुखी है, परेशान है, हम यहां से ऐलान कर चुके हैं हम जिंदा नहीं जाएंगे, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में हम सबकी लाशें आपको देखने को मिलेंगी। अभी भी समय, हमारी मांगे पूरी कर दो और कल 11 बजे लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर हम सब लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं सोएंगे। अब देखते कितना हमारे साथ अत्याचार होता है, दुर्व्यवहार होता है, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 46 दिन से राजस्थान में आंदोलन जारी है और 2 दिन से उत्तर प्रदेश में जारी है। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।